हेलो फ्रेंड्स, मैं एचपी हर्षित कुमार, आप देख रहे हैं एचपी टॉक्स। तो कैसे हैं वालों? तो गाइस, मैं बता देता हूं आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो चल रहे बाहर घूमने मैं और अतुल। तो आज हम फिर से करने वाले हैं फूड कंपैरिजन। तो बाहर चलते हैं और फिर दिखाता हूं मैं आज किस किस चीज का हम कंपैरिजन करेंगे। चलिए तो चलते हैं। तो गाइस, अतुल को उठाते हैं पहले और फिर चलते हैं कुछ बेहतरीन सा खाने। गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो फाइनली अतुल आ चुका है, तो जल्दी निकलते हैं। तो गाइस, हम फेज टू आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पे ट्राई करना था। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन चीज है, मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो बंद है क्योंकि ये शाम के टाइम में खुलता है। तो देखते हैं, या तो शाम का ही प्लान करेंगे, नहीं तो और घूमने चलते हैं गेड़िया मारने। तो गाइस, हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये बिल्कुल मिलांज के साइड में अपने यहाँ खुला है बीए जूस वाला। तो यहाँ पे फास्ट फूड भी रहता है इसका, तो फास्ट फूड ट्राई करते हैं इसका। बीए जूस वाले पे अभी बर्गर स्टार्ट नहीं हुए, तो इन्हें भी आधा घंटा लगेगा सेटअप सारा लगाने में, तो उसके बाद स्टार्ट होंगे। तो गाइस, हम आ चुके हैं बिगीज। तो बिगीज का बर्गर ट्राई करते हैं, जल्दी चलते हैं और टेस्ट बताएंगे फिर कैसा लगता है। तो गाइस, हमने यहाँ पे मंगाया टिक्की बर्गर जो कि है 45 का, तो ऑर्डर दे दिया। तो गाइस, अपना बर्गर आ चुका है, तो बर्गर ट्राई करते हैं। ये खाने के लिए मंगाया, एक हमने पैक करवा लिया, बाद में खा लेंगे। तो खाते हैं। फाइनली हमने बिगीज का खा लिया और थोड़ा मैं रिव्यू दे देता हूँ। तो मुझे कैसा लगा इसका ना, मतलब थोड़ा ऐसा हिसाब सा लगा, बर्गर सूखा सूखा सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं बंदी खा रही हूँ बस। और 10 में से मैं से देना चाहूंगा 6 नंबर। मैं आपको बताता हूँ मेन प्रॉब्लम क्या थी बर्गर में। बर्गर में मेन प्रॉब्लम ये थी, बर्गर जो है ना, इन्होंने फ्राई नहीं किया था और ना ही गर्म था, बर्गर भी ठंडा था। जैसे बर्गर बंद आता है, बंद को बीच में से काट के एक पैटी डाल दी, प्याज डाल दी और क्रीम डाल दी और सॉस डाल दी, हो गया बर्गर। भाई मेरे को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। मैं रेटिंग देना नहीं चाहता, पर लेकिन कोई बात नहीं, रेटिंग देनी है। मैं इनको 10 में से देना चाहूंगा 3, क्योंकि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मार्स रिजोर्ट, तो यहाँ पे हम मैकडी का बर्गर खाने वाले हैं और फिर आपको रिव्यू देते हैं कि कौन सा अच्छा है, अपना मैकडी या फिर बिगीज। तो गाइस, ये रहा अपना मैकडी और यहाँ पे हम ड्राइव थ्रू ही करने वाले हैं क्योंकि बैठने का टाइम नहीं है, घर पे भी जाना है। तो ड्राइव थ्रू करते हैं और लेते हैं, यहाँ पे भी हम उसके जैसे ही मिलता जुलता लेंगे जैसा ही। तो यहाँ पे हम लेंगे मैक आलू टिक्की, तो देखते हैं किसका बेटर लगता है हमें। तो जल्दी जल्दी लेते हैं और फिर मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो गाइस, देते हैं यहाँ पे ऑर्डर। तो गाइस, अपना बिल कट चुका है, तो हमने 3 मैकडी के मैक आलू टिक्की का बिल दिया है। अपने पूनिया जी भी आ रहे हैं, तो दीपांशु पूनिया से भी मिलवाते हैं। तो गाइस, मिल चुके हैं अपने 3 मैक आलू टिक्की, तो अपने अपना दीपांशु भाई भी आ रहा है, तो दीपांशु भाई के लिए भी ले लिया है, तो जल्दी चलते हैं। तो गाइस, ये आ चुके हैं अपने दीपांशु पूनिया। और जी, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, लकी बड़ा भाई, बढ़िया। तो गाइस, अब ये ट्राई करते हैं मैक आलू टिक्की। और ये खुल चुके हैं हमारे बर्गर, तो भाई टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगता है। तो गाइस, फाइनली हमने मैकडी का बर्गर भी खा लिया, तो मैं इसे 10 में से देना चाहूंगा 9 नंबर। मैकडी का बहुत ही ज्यादा टेस्टी रहता है और सबसे बड़ी बात ये फ्रेश रहता है, गर्म रहता है। हमें जो बिगीज का था वो गर्म बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे बासी बर्गर दे दिया हो। बिगीज वालों ने ऐसा दिया था, 3-4 दिन का रखा हुआ हो, तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बिगीज में जाने के लिए आपको ये कहूंगा कि बिगीज में बर्गर मत खाओ, बाकी सब चीज खाओ। और मैकडी का बहुत अच्छा है, मैकडी में डेली जाओ, और मैं कह रहा हूँ हर घंटे जाओ। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी लगा बर्गर, बेहतरीन बर्गर है, मैकडी नंबर 1 है इंडिया का। अगर कोई इससे ऊपर है तो कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो के हिसाब से हमारा जीतता है मैकडी।
तो गाइस अतुल जा चुका है, तो मैं और अपने पूनिया जी आए हैं पिज्जा खाने, क्रेजी फॉर पिज्जा। तो देखते हैं कितना क्रेजी कर देते हैं हमें पिज्जा के लिए। तो गाइस अपना आ चुका है चीज एंड पनीर पिज्जा, तो खाते हैं इसे और टेस्ट बताते हैं। आ चुके हैं चिली पंजाबी, तो यहाँ पे मैं और अपने पूनिया जी, तो हमने मंगवाई है अफगानी चाइनी चाप, ट्राई करते हैं। और